तो फाइनली गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मैं इजीली यहाँ पे डायनासोर को ड्राइव कर रहा हूँ और गाइज यहाँ पे मैंने चीट कोड नंबर डाल करके डायनासोर को स्पॉन भी कर लिया है। तो गाइज मैं आप लोगों को टीरेक्स डायनासोर का चीट कोड नंबर भी देने वाला हूँ। एंड गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को तीन तीन टीरेक्स डायनासोर देखने को मिलता है, लेकिन गाइज टीरेक्स डायनासोर मेरे को कुछ नहीं कर रहा था। एंड यहाँ पे आप लोग हाउस के अंदर टीरेक्स डायनासोर को देख रहे हो, ये भी मेरे को कुछ नहीं कर रहा है और गाइज मेरे ऊपर फाइट भी नहीं कर रहा है। एंड गाइज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग मेरा वक्स अनफिट में हाउस के अंदर डायनासोर को कैसे ले जा सकते हो, और साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि गाइस आप लोग इन वक्स अनफिट में टीरेक्स डायनासोर से कैसे बच सकते हो। एंड गाइस आप लोग टीरेक्स डायनासोर के नजदीक जाते हो तो गाइस इन वक्स अनफिट गेम के कैरेक्टर को यहाँ पे मार देता है और हमारा जो गेम था वो वास्टेड हो जाता है। लेकिन गाइस अब मैं आप लोग को ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से गाइस आप लोग इन वक्स अनफिट में टीरेक्स डायनासोर के नजदीक जा सकते हो और टीरेक्स डायनासोर आप लोगों को कुछ नहीं करने वाला और पास से आप लोग टीरेक्स डायनासोर को इजीली देख सकते हो। और साथ ही गाइज आप सबके लिए गुड न्यूज भी आया है, तो वो गुड न्यूज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइज आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोग को वक्स अनफिट गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाके फॉलो कर लेना। न्यू अपडेट से रिलेटेड आप लोग मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब 110% दूंगा, तो आप लोग जाके फॉलो जरूर कर लेना। और गाइस आप लोग अभी तक क्रेजी XYZ गेम को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस इस गेम में आप लोग को हमारे चैनल का बैनर भी देखने को मिलेगा और हमारे कितना सब्सक्राइबर है वो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लो, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड आप लोग जो भी व्हीकल्स को ऐड करने के लिए बोलोगे एंड इस गेम में आ जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जाके गेम को डाउनलोड करो और मजे करो। तो चलो गाइस मैं आप लोग को वक्स अनफिट गेम में टीरेक्स डायनासोर को नजदीक से देखने का सीक्रेट ट्रिक बता देता हूँ। आप लोग वक्स अनफिट गेम में टीरेक्स डायनासोर को नजदीक से देख सकते हो लेकिन आप लोग का जो गेम है वो वास्टेड नहीं होगा, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली वाइप को कोई भी एक वाइप को स्पॉन कर लेना है एंड जिस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस तरह से आप लोगों को ड्राइव करना है। तो अभी आप लोगों ने पीछे टीरेक्स डायनासोर को देखा है तो वो तो डायनासोर रहेगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ दूर आके ब्रेक लगाना है और फिर से टीरेक्स डायनासोर के इधर जाना है। तो यहाँ पे अब आप लोग को दो टीरेक्स डायनासोर देखने को मिलेगा एंड फिर से आप लोग को उधर जाना है और उधर ब्रेक लेके फिर से आप लोग को इधर आना है, तो आप लोग को दो से तीन डायनासोर हो जाएगा, यानी कि टीरेक्स डायनासोर बढ़ता रहता है। तो अभी हम उधर चलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक और टीरेक्स डायनासोर स्पॉन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप लोग अप डाउन करोगे तो गाइस यहाँ पे डायनासोर है वो इंक्रीज होता रहता है। एंड वीडियो के आगे बताऊंगा कि आप लोग वक्स अनफिट गेम में कौन से चीट कोड से टीरेक्स डायनासोर को स्पॉन कर सकते हो एंड कैसे आप लोग टीरेक्स डायनासोर को ड्राइव कर सकते हो। तो गाइस आप लोग सामने टीरेक्स डायनासोर को देख सकते हो, तो कुछ इतना दूरी पे आप लोग को बाइक को लगा देना है और बाइक को लगाने के बाद आप लोग को सिंपली हॉर्स को यहाँ पे स्पॉन कर लेना है और हॉर्स को स्पॉन करने के बाद यहाँ से आप लोग कोई भी एक बाइक को स्पॉन कर ले जो भी आप लोग का फेवरेट है। एंड स्पॉन करने के बाद आप लोग को सिंपली चले जाना है यहाँ पे दोनों के बीच में और जब दोनों पे बैठने का ऑप्शन मिले उस पर आप लोग क्लिक कर देना, आप लोग का जो करेक्टर वो इनविजिबल हो जाएगा जिससे आप लोग वक्स अनफिट गेम में टीरेक्स डायनासोर के नजदीक जा सकते हो एंड टीरेक्स डायनासोर आप लोग को कुछ नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं टीरेक्स डायनासोर के नजदीक आ चुका हूँ, बट गाइज यहाँ पे मेरे को टीरेक्स डायनासोर कुछ नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोग टीरेक्स डायनासोर के नजदीक जा सकते हो और गाइज आप लोग टीरेक्स डायनासोर से थोड़े दूर पे ही कैरेक्टर को स्पॉन करना, अगर टीरेक्स डायनासोर को पता चल गया कि आपका कैरेक्टर थोड़ा सा आगे है तो वहां पे जाके आप लोग का जो गेम है वो वास्टेड कर देगा, यानी कि हमारे जो कैरेक्टर है उसको मार देगा। तो अभी तो टीरेक्स डायनासोर को पता नहीं चल रहा है लेकिन गाइज अब पता चल चुका है, देखो गाइज कितना फास्ट में टीरेक्स डायनासोर जा रहा है और हमारा जो कैरेक्टर था ये हॉर्स के नीचे था। तो गाइज अब टीरेक्स डायनासोर को पता चल चुका है कि हमारा जो कैरेक्टर था वहाँ पे है, तो गाइज अब हमारा जो गेम है वो वास्टेड हो जाएगा। लेकिन गाइज आप लोग वक्स अनफिट गेम में इस ट्रिक से टीरेक्स डायनासोर को नजदीक से देख सकते हो, तो इसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर कर देना एंड मैं नेक्स्ट ट्रिक लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग का जो कैरेक्टर है
वो डेड ना हो पाए एंड आप लोग से हम फिर डायरेक्ट डायनासोर को इसलिए देख पाओ। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइस आप लोग टीरेक्स डायनासोर के ऊपर कैसे बैठ सकते हो। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को सिंपली कोई सा भी एक वाइप को स्पॉन कर लेना है एंड स्पॉन करने के बाद जिस तरह से मैं पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अप डाउन करना है और आप लोगों को डायनासोर को इंक्रीज करना है इस जुरासिक पार्क के अंदर, तो अभी मैंने एक डायनासोर को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दो डायनासोर यहाँ पे हो चुका है, तो हम तीन को करेंगे और तीन को लेके चलने वाले एक जगह पे एंड वहाँ पे आप लोग इजिली डायनासोर के ऊपर बैठ सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे दो ट्रेक्स डायनासोर को मंगा लिया है जुरासिक पार्क के अंदर, तो अब तीसरा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीन तीन यहाँ पे आप लोग को ट्रेक्स डायनासोर देखने को मिलता है एंड आप लोग को तीनों डायनासोर को जुरासिक पार्क से बाहर ले जाना है। वो कैसे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो भाई आप लोग पीछे देख सकते हो कि तीन तीन डायनासोर हमारे बाइक के पीछे आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आप लोग को स्लोली स्लोली में डिस्टेंस बना के टीरेक्स डायनासोर को सिटी से बाहर लेके चले जाना है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं टीरेक्स डायनासोर को जुरासिक पार्क से बाहर लेके आ गया है। और गाइस डिस्टेंस आप लोग लिमिट में ही बनाना, अगर आप लोग बाइक को अधिक फास्ट भगाओगे तो टीरेक्स डायनासोर आप लोग को फॉलो नहीं करेगा और टीरेक्स डायनासोर कुछ देर के बाद गायब भी हो सकता है। तो गाइस आप लोग बाइक को बिल्कुल भी फास्ट मत करना और ज्यादा स्लो भी मत करना, ताकि गाइस जो टीरेक्स डायनासोर है वो आप लोग का जो गेम है वो बास्टेड ना करे। तो आप लोग को लिमिट में ही आप लोग को बाइक को चलाना है ताकि जो पीछे वाले टीरेक्स डायनासोर है वो आप लोग को फॉलो करे। एंड आप लोग देख सकते हो मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ, तो हो सकता है कभी कभी आप लोग को फॉलो ना करे टीरेक्स डायनासोर। इसलिए गाइस आप लोग टीरेक्स डायनासोर एंड आप लोग अपने बाइक के बीच एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना, जिससे आप लोग का जो टीरेक्स डायनासोर है वो आप लोग के बाइक का फॉलो करे। एंड फॉलो करते करते आप लोग को यहाँ पे लाना है ये वाली आप लोग को जंपिंग देखने को मिलता है, यहाँ कंटेनर का बनाया गया है तो यहाँ पे आप लोग को लाना है। उसके बाद आप लोग बाइक से उतर भी सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को बाइक से उतर कर दिखा देता हूँ। एंड बाइक से उतरने के बाद गाइस आप लोग को तीनों डायनासोर नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को तीनों डायनासोर नीचे देखने को मिलता है और काफी ज्यादा खतरनाक मूड भी है टीरेक्स डायनासोर। अब आप लोग इसके पास जाओगे तो ये आप लोग को कुछ नहीं करने वाला है, बट आप लोग नीचे मत चले जाना, नहीं तो आप लोग का जो गेम है वो वास्टेड हो जाएगा। तो अभी हम पास में ही रहने वाले हैं, तो गाइस यहाँ पे टीरेक्स डायनासोर आप लोग को कुछ नहीं करने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं काफी ज्यादा नजदीक हूँ, लेकिन गाइस टीरेक्स डायनासोर है वो मेरे को कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन गाइस आप लोग नीचे बिल्कुल भी मत जाना, नीचे अभी जाओगे तो गाइस आप लोग का जो गेम है वो वास्टेड हो जाएगा। अभी आप लोग को यहीं पे है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को टीरेक्स डायनासोर को लाने के बाद आप लोग 8000 यानी कि 8000 डायल करोगे तो यहाँ पे आप लोग का हेलीकॉप्टर स्पॉन हो जाएगा एंड आप लोग हेलीकॉप्टर को ड्राइव करके आप लोग टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठ सकते हो। तो चलो मैं आप लोग को बैठ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है, उसके बाद आप लोग को टीरेक्स डायनासोर है उसके शरीर पे आप लोग को हेलीकॉप्टर को लैंड करा देना है कुछ इस तरह से। एंड लैंड कराने के बाद आप लोग बाहर आ जाओगे। लेकिन गाइस ये क्या हो रहा है, ये तो टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठ ही नहीं रहा। मतलब गाइस अभी जो हमारे डबाक्स में टीरेक्स डायनासोर मिलता है उसके ऊपर हम बैठ नहीं सकते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर वो बैठ नहीं पा रहा है टीरेक्स डायनासोर के ऊपर। लेकिन गाइस आप लोग डबाक्स में टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठ सकते हो, वो कैसे हो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग डबाक्स में टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठना चाहते हो तो गाइस उसके लिए आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि भाई एडाबाक्सान फिर के मैं टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठने का ऑप्शन डाल दो। एंड अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कर दो गाइस तो हमारे एडाबाक्सान फिर के मैं टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठने का ऑप्शन डाल दिया जाएगा। एंड आप लोग इसलिए कुछ इस तरह से एडाबाक्सान फिर के मैं टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठ सकते हो। एंड आप लोग टीरेक्स डायनासोर का चीट कोड नंबर जानना चाहते हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे हमारे एडाबाक्सान फिर के मैं टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठने का ऑप्शन डाल दिया जाएगा तो हमारे एडाबाक्सान फिर के मैं टीरेक्स डायनासोर
चीट कोड नंबर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइज अगर आप लोग इन पाकिस्तान फ्रिक मटेरियल ट्रांसफर का चीट कोड नंबर लेना चाहते हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जैसे चीट कोड नंबर आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के इसका चीट कोड नंबर भी दे दूंगा। एंड गाइज अगर आप लोग इन पाकिस्तान फ्रिक मटेरियल ट्रांसफर को हाउस के अंदर बुलाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और आप लोग को ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। एंड उस वीडियो देखने के बाद आप लोग इजिली इनबॉक्स एंड फ्रिज में हाउस के अंदर डायनासोर को मंगा सकते हो। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को गुड न्यूज दे देता हूँ। तो गाइस गुड न्यूज ये होने वाला है कि गाइस आज हमारे बस गेम का अपडेट आने वाला है। एंड बस गेम में आप लोगों को न्यू बस देखने को मिलेगा और साथ ही आप लोगों को न्यू मैप देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस हमारे इंडियन कॉस्मेटिक फ्रिज गेम का वर्क भी स्टार्ट हो चुका है और आप लोग को इंडियन कॉस्मेटिक फ्रिज में कौन सी कार चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि वो न्यू अपडेट में ऐड हो सके। जैसे आप लोग को कार गेम का अपडेट मिल जाएगा उसके बाद आप लोग को फिर से बाइक गेम का अपडेट मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोग को इंडियन कॉस्मेटिक फ्रिज गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट।